अहम मामलात पर ऑपोजिशन लीडर भी बोले। खुर्शीद शाह का कहना है कि मोदी सरकार जैसी 10 ताकतें भी आ जाएं, पाकिस्तान को कोई खौफ नहीं, आर्मी चीफ को तौसी की जरूरत नहीं। उनका कहना था कि बानी MQM का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। सखर में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए खुर्शीद शाह दबंग अंदाज में बोले और भारत को खबरदार किया। जंग पाकिस्तान और भारत के हक में बेहतर नहीं, मोदी सरकार जैसी 10 ताकतें भी आ जाएं तो पाकिस्तान को कोई खौफ नहीं है। मोदी सरकार क्या है, मोदी सरकार जैसी 10 सरकारें आ जाएं, पाकिस्तान को कोई खौफ डर नहीं है। वजीर आजम ने कश्मीर का मसला मौसर अंदाज में उठाया। पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत का जिक्र भी होना चाहिए था। जनरल राहिल शरीफ ने मुल्क में बहुत इज्जत कमाई। आर्मी चीफ को अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जरूरत नहीं। फील्ड मार्शल का तो कोई कंसेप्ट अभी नहीं है और तौसी की भी उसको जरूरत नहीं है। उसने इस मुल्क में बहुत बड़ी इज्जत कमाई है नेचुरली, मगर वो ये जरूर चाहेगा कि जो उसने कुछ किया है उसकी उसको हम संभाल सके। खुर्शीद शाह ने कहा कि आलमी ताकतें भारत को जारहाना इकदाम से रोकें, जंग हुई तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी।